आप लोगों ने कड़ी मेहनत की और इस कोविड टाइम में अपना सर्टिफिकेट अर्जित किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने स्टाफ को, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स हैं, कोचेस हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, स्पोर्ट्स साइंस है, उनका स्टाफ है पूरा, उन्होंने भी जो है अपना पूरा समय आपको दिया और इस कोर्स को संपन्न किया। और बहुत सारे कोचेज जो है हमारे यहाँ से अपना सर्टिफिकेट लेके एनवायरमेंट पे जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है जो इन 6 हफ्तों में सीखा है आपने, उसको बेस बना के जो है अपने फील्ड में जाके काम करें। ये सर्टिफिकेट आपको जो है एक कॉन्फिडेंस देगा कि आप एक कोच हो, एक अथॉरिटी होगी आपके पास, जो आप अपने रिस्पेक्टिव जगह में, चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपका डिपार्टमेंट हो, आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका अखाड़ा हो, एकेडमी हो, तो उसमें आपको एक अथॉरिटी के साथ में खड़े होने का सिस्टम देगा। आप लोग इस 6 हफ्ते के दौरान अपने जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे मिले, जो आपके कोच साहब हैं, जो स्पोर्ट्स साइंस के लोग हैं, कोचिंग डायनेमिक्स की जिन्होंने क्लास ली थी, एक जरिया भी मिला आपको कि इन लोगों ने हमें पढ़ाया है। तो आप इस सर्टिफिकेट के बाद में कोई चीज आपने पूछना है, इम्प्रूवमेंट करना है, सजेशन लेना है, तो वो आपके पास, क्योंकि आप उनके स्टूडेंट रहे हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको अपने स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक पहला कदम है। आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर नहीं पता आपको, ये सर्टिफिकेट की वैल्यू डिप्लोमा कोर्स में भी अभी हमने डाल दी है। ये पहला डिप्लोमा कोर्स था जिसमें सर्टिफिकेट को एक वैल्यू दी है कि एक सर्टिफिकेट होल्डर जो है एनआईएस का, उसने अगर स्टेट खेला है 2 बार तो वो डिप्लोमा कोर्स में आने के लिए एलिजिबल है। ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि आपने 6 हफ्ते में बेस बनाया है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लेवल कोर्स जो है इतने ही ड्यूरेशन के होते हैं। और अभी आपसे मैं चंद एक सवाल आपकी फीडबैक्स भी लूंगा इसी मत से कि आप लोग जो है कैसा लगा और आप क्या नया चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा पीरियड है आपको एक छोटा सा बेस बनाने के लिए, बेसिक्स चालू करने के लिए। तो जो डिप्लोमा के इच्छुक होंगे उनको ये बेस बन जाएगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कई जो है बड़े अच्छे पैशनेट जो है खिलाड़ी, जो किसी वजह से खेल नहीं पाते हैं, पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं और या उनको चोट लग जाती है या अपना कोई दूसरा फील्ड चुन लेते हैं, तो वो आगे नेशनल या काउंटी से बड़ा टफ है। क्योंकि आपके जो दोनों स्पोर्ट्स हैं ओलंपिक इवेंट है और हमारा देश जो है इसमें मेडल लाता रहा है इस इवेंट के अंदर, तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। लेकिन कोचिंग जो है एक अलग फील्ड है, उसमें जो है हर आदमी जो है अपना ये पैशन, अपना ये कोचिंग कर सकता है। कुछ कोच लाइक क्वालिटी जो आपने इसमें पढ़ी होगी वो उसको दिखानी पड़ती है, अपने पूरे आने वाले कैरियर के अंदर उसे एक्सप्लॉइट करके अपने अच्छे से अच्छे जो है बॉक्सर और रेसलर तैयार करने होते हैं। तो इसलिए जो है आपका सर्टिफिकेट कोर्स आपका एक पहला कदम है, शुरुआत है। फीडबैक के लिए छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी इस सिस्टम में जो हमने इस बार किया है कोई बदलाव चाहते हैं तो बता सकते हैं। पहली चीज, 4 हफ्ते का ऑनलाइन और 2 हफ्ते का प्रैक्टिकल या ऑफलाइन। इस सिस्टम में कोई बदलाव चाहता है तो वो हाथ खड़ा करे, अगर ये बढ़िया है तो हम अगली बार भी ऐसे ही चालू रखेंगे। ये बढ़िया है, yes, मैं शेयर कर सकता हूं आपके साथ कि इसमें ये है कि कई लोग नौकरी करते हैं, कई लोग घर पे रहते हैं, डिपार्टमेंट में रहते हैं, तो ऑनलाइन का फायदा है कि वो अपना ऑनलाइन घर रहते हुए, डिपार्टमेंट रहते हुए समय निकाल के कर सकते हैं। नंबर 2, बेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर जो है ऑनलाइन पे हम आपको दे सकते हैं। अगर वो फैकल्टी को बुलाना पड़ता है 4 सेंटर में ज्यादा समय के लिए तो वो आते नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में डेफिनेटली उसकी 6 लेक्चर है तो 6 घंटे के लिए आपको आ जाता है और साथ में 6 घंटे जो है आपके साथ डिस्कशन कर लेता है। और प्लस उसका ईमेल होता है, प्लस उसका कम्युनिकेशन का जरिया होता है जहां आप उससे बात कर सकते हो। और 2 हफ्ते प्रैक्टिकल बहुत है जिसमें आपको अच्छे सेंटर्स में
जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, बैंगलोर है, पटियाला है या कोलकाता, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स साइंस और एफओपी की सुविधा भी होती है, तो वहां आपको भेजा जाता है। कोरोना के कारण जब कुछ हमारे स्पोर्ट्स नहीं जा पाए, कोरोना बहुत ज्यादा था, तो वहां भी हमने दूसरे एफओपी देखे जहाँ पे सारी एफओपी की फैसिलिटी हो, वहां पे उनको हमने करवाया। क्योंकि एक बॉक्सिंग बैच जो है वहां शिलारू में डिप्लोमा वाले थे, जैसे शिलारू में तो हम आप लोगों को भी वहां भेजना चाहते हैं, ऐसे करके जो है हम लोग आपको कहीं पर भी भेज सकते हैं आने वाले समय में, कि आप एनडीए रोहतक जाए वहां पे आप 2 हफ्ते का कर लीजिए। अगर हमारे से दोबारा जैसे हम कुछ प्रॉब्लम होगी कि भीड़ होगी, लोग ज्यादा होंगे, तो जहां पे अच्छी अच्छी अकेडमीज है वहां पे भेज सकते हैं, 20 से 30 बच्चे या 40 बच्चे जो है कॉम्पीट किए जा सकते हैं। तो एक ये सजेशन हमारा रहेगा आने वाले टाइम पे। तो अगर आप कहते हैं कि कोई सजेशन नहीं है इन दोनों करिकुलम में, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा कोई सिलेबस के अंदर किसी का कोई सजेशन बताएं, बोल सकते हैं, ओपन है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, स्पोर्ट्स साइंस, कोचिंग डायनामिक्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट या प्रैक्टिकल में, आपने एफएस का चक्कर मारा प्रैक्टिकल में? पक्का? तो आपके कुछ ज्यादा चाहिए या एक्स्ट्रा 2 घंटे बहुत है? हाँ बोलो सर, स्पोर्ट्स साइंस के लिए ज्यादा चाहिए क्लासेस। हाँ, तो अभी हमें लगा कि स्पोर्ट्स साइंस की क्लास जो है एक सर्टिफिकेट कोर्स होल्डर को कितना चाहिए, वो आपसे सजेशन लेंगे, आप दे सकते हैं, तो हम अगले कोर्स में थोड़ा ज्यादा कर देंगे। और ज्यादा में भी हमारे पास वहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो क्या आपको न्यूट्रिशन में जाना है, एंथ्रो में जाना है या फिजियो में जाना है, अपने स्पोर्ट्स के हिसाब से वहां समय आप ज्यादा व्यतीत करें, ताकि आपको पता चले कि वो साइंटिस्ट और वो जो है सपोर्ट स्टाफ आपका क्या काम करता है, उससे क्या क्या काम आप ले सकते हैं। अगर कोच मकसद वो है सिर्फ, और अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास सारे इक्विपमेंट है, उसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि उनके पास इस इक्विपमेंट से हमारे एथलीट का क्या फायदा होता है, और आपका समय उसमें ज्यादा कर देंगे। उसके अलावा कोई और? लाइब्रेरी। अच्छा बताओ, लाइब्रेरी में क्या चाहिए मैडम? लाइब्रेरी यूज नहीं की थी। ओके, अगर समय मिलता है तो हम आपको लाइब्रेरी का भी देंगे। और अभी कोशिश कर रहे हैं, हमने ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट जो है शुरू कर दिया है, जिसमें आपके नोट्स, आपके जर्नल्स, बेस्ट जो है किताबें आपको एक्सेस होगा, जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो आप जा सकते हैं। और एनएस की लाइब्रेरी भी जो है उसको उसका यही कंटेंट जो है आपके साथ रजिस्ट्रेशन जिस दिन करोगे उसके साथ जुड़ जाएगा। और वैसे फिजिकली आप जाना चाहें तो मेरे ख्याल से अभी तो समय नहीं मिला होगा लाइब्रेरी जाने का, इसको समय पहले तो लाइब्रेरी हमारी खुली है, आप आए, बुक इशू कराए, वापस ले जाए, वो सब सिस्टम है। बट ई लाइब्रेरी जो आपको बताया, जो मैडम ने बताया, ई लाइब्रेरी बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत सारी अच्छी किताबें आपको मिल जाती है। उसके अलावा कोई और पॉइंट बोलिए सर? एनएस डिप्लोमा का जो टाइम है ना सर, वो जून से मई से स्टार्ट होता है और जून में खत्म होता है, तो मोस्ट ऑफ द जो स्कूल टीचर्स है उनको वो टाइम पे फिर स्कूल हॉलीडेज प्रोवाइड नहीं करते, तो अगर मई का अगर पूरा अप्रैल या फिर मई अगर मिल जाए तो बहुत सारे टीचर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं ये कोर्सेज में। आप डिप्लोमा बात करो सर्टिफिकेट की? सर्टिफिकेट की। हाँ, सर्टिफिकेट की बात है। तो आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स जो है मई जून में चलाया जाए, ऐसा? अप्रैल मई में सर। अप्रैल मई में। इसके अलावा कोई और भी राय? लेकिन जो पहला पॉइंट था हमारा कि सर्टिफिकेट कोर्स कभी चलाओ आप, 4 हफ्ते ऑनलाइन चलाओ, 2 हफ्ते हम स्कूल से छुट्टी लेके आ जाएंगे, ऐसा ठीक नहीं है? तो जो आप